हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों, आपकी सबकी चल रही है जोर शोर से तैयारी स्टेज टू की? सबको क्लियर हो गया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अच्छा ठीक है जी। अच्छा बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट विद फिजिक्स, मतलब जो हमने चैप्टर पढ़ना है, उससे पहले हम एक तो बच्चों बेसिक बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब हाउ यू शुड गो अबाउट दिस, है ना, कैसे हमें प्रिपेयर करना है पूरी चीज को। तो इसमें बच्चों दो तीन बातें हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम के लिए जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना, कि वहां पे एग्जैक्टली अब क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो जैसे आप में से काफी लोगों को ये फियर सा था कि भाई हाँ भाई उसमें ऐसा ये आ रहा है, वो आ रहा है, इतना कुछ हम कैसे कर लेंगे इतने टाइम में, है ना। तो पहले तो उस चीज को लेके क्लैरिटी लें। देखो जो एक आपको ये बात तो ऑब्वियसली सबको पता है कि मार्किंग स्कीम जो है इसमें आपका, मुझे बच्चों एग्जैक्टली बताना, मैट आपका 100 मार्क्स का है ना, जो आपका सैट है हाँ जी, है ना, मैथ 100 मार्क्स की हो गई, SST 40, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं PCMB, इनकी क्या है वेटेजेस बच्चों? फिजिक्स आई थिंक 12-13 रहती है कुछ, है ना। और मैथ्स 20, राइट, कुछ इस टाइप की होती है ना। और अच्छा अब ये बताओ मुझे, जनरली कट ऑफ क्या जाती है इस पेपर की? आंसर करो भाई। जनरली इट्स 140, ठीक है, हम थोड़ा सेफ चलते हैं 150, तो 150 प्लस इज डेफिनेटली अ सेफ स्कोर, ठीक है बच्चों। तो आपको बच्चों बहुत केयरफुली ये ऑप्टिमाइज करना है। टाइम कितना है अपने पास बच्चों? फोर वीक्स और भी बचे नहीं अब, है ना। तो आपको बच्चों बहुत केयरफुली ये ऑप्टिमाइज करना है कि कैसे आप, मतलब देखो अगर आप सोचोगे कि आप 4 वीक्स में पूरे 200 मार्क्स का प्रिपेयर कर लोगे तो वो नहीं होगा, ये मानते हो? तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज कि कहां से हम बेस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। रैंडमली नहीं पढ़ना कि हाँ कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, इस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है कि
इतने मार्क्स कहाँ कहाँ से स्कोर किए जा सकते हैं, राइट? वो आप सबके लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैथ तो फुल फ्लेज्ड ही है, वो तो पूरे का पूरा ही आएगा या नहीं आएगा, है ना, उसमें यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज मच, वो तो सारा ही आएगा. बट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप थोड़ा सा प्रायोरिटीज बना सकते हो कि किसको कम प्रायोरिटी देनी है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? जैसे मैं बच्चों आपके साथ अब एक शेयर करने लगा हूँ फिजिक्स का. मैंने ना इसका एक प्रॉपर एनालिसिस बनाया था फिजिक्स का, कि भाई कैसे किस चैप्टर से आता है, कितना आता है. तो जस्ट अ सेकंड. तो बच्चों ये आपको विजिबल है स्क्रीन, देखो. तो मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने ना चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक पूरा ही एनालिसिस बना दिया, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लगे और उससे आपको समझ आएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो चलो अभी पूरा नहीं देखते, है ना, उतना टाइम नहीं खराब करते. मैं आपको एक बात समझाता हूँ इसमें. आप ये देखो बच्चों, जो फिजिक्स की टोटल वेटेज है ना, वो तो वही 12 13 क्वेश्चंस की वेटेज है. आप उसमें से ये देखो अब कि ये जो 12 13 क्वेश्चंस हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस 11th के हैं और कितने 12th के हैं. तो 11th वाला अगर आप देखो, अगर हम एवरेज बात करें, कैन यू सी कि ऑन एन एवरेज मोशन से कितने आए हुए हैं? दो क्वेश्चंस आए हुए हैं हमेशा, या आप नीचे वाले जो 11th वाले चैप्टर्स हैं बच्चों उनकी एवरेज लो. देखो मोशन से 10 हैं, वर्क एनर्जी से 10 हैं, 20, फोर्थ से 4 हैं, 24, फ्लूइड्स ग्रेविटेशन को मिला के ये बन गया रफली 30 बन गया ना क्वेश्चंस. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि आपका अप्रोक्सीमेटली 50% तो क्लास 11th है, बेसिकली 9th के टॉपिक्स जो आप क्लास 11th में कर रहे हो, तो जो कि आपको पक्का से आ जाएंगे बच्चों. अगर आपको मैं क्वेश्चंस कभी दिखाऊंगा ना स्टेज 2 के, आप टेस्ट होगे, आप देखोगे कि आप तो उससे बहुत हाई लेवल 11th कर चुके हो कि ये क्वेश्चंस तो आपको कुछ लगेंगे ही नहीं. आई बात समझ? तो इसका मतलब आप जो फिजिक्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, आप वो प्रैक्टिकली सिर्फ इस 12 के 50% पे मार्क्स स्पेंड कर रहे हो, विच मींस 6 मार्क्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो इसमें भी मैं क्या करने वाला हूं कि व्हाट आई विल डू इज नाउ थिंग्स आर वेरी इजी. हमने उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लेना है. तो हम क्या क्या चैप्टर्स कवर करेंगे? लाइट, करंट, मैग्नेटिज्म, ठीक है, और ये तो है जिनमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला है. जो बिल्कुल बेसिक कुछ चीजें हैं, साउंड है बच्चों, और एक फ्लूइड्स है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो कि मतलब मैं आपको पढ़ा दूंगा. साउंड आप पिछला रिवाइज करोगे आपको अपने आप आ जाएगा, कोई खास बात नहीं, ठीक है, और एक आधी चीज कोई मिस लेनी है जो मैं कवर कर दूंगा. इन शॉर्ट मतलब हमें जो ज्यादा टाइम लगाना है बच्चों वो इन 3 चैप्टर्स पे लगाना है, ठीक है? और बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ये ना मतलब जो स्टेज टू में वैसे जरूर थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन टफ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेज टू में कोई नए फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ये मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ठीक है, देर इज कोई एक क्वेश्चन भी मुझे ऐसा नहीं दिखा, मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली ये 12th वाले चैप्टर्स की, लाइट करंट मैग्नेटिज्म, कि उनमें एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो कोई न्यू फॉर्मूला से हो रहा हो। ठीक है बच्चों, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे पढ़ना है, मतलब आप अननेसेसरली फालतू चीजें नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको एनालिसिस बना के ही दे दिया, मैं आपको अपने आप इसके अकॉर्डिंग जो जो चीजें कवर कराऊंगा आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। क्या बात क्लियर हो रही है बच्चों सबको? मतलब वो प्योर टाइम वेस्ट होगा आपका। तो हमने मतलब इन चैप्टर्स की बच्चों थ्योरी पढ़नी है जो आपके क्लास 11th वाले हैं, राइट, और जो सॉरी क्लास 12th वाले हैं, और जो क्लास 11th वाले हैं बच्चों चैप्टर्स, ठीक है, जो ये मोशन फोर्स वगैरह उसकी जो आपको शीट्स मिली हैं आप उन शीट्स में से क्वेश्चन रिवाइज कर लो, बस आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? दूसरी बात बच्चों, अब दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जो बच्चे मतलब इसमें स्पायर जीरो वाले बैच में है। ठीक है बच्चों, आपने ना रैंडमली क्लासेस नहीं मिस करनी, ऐसे नहीं कि जब मन किया आज कोई क्लास मिस कर ली। जैसे आप में से जैसे सुहानी, आपने मेरे ख्याल से मैंने आपको देखा नहीं स्पीक क्लासेस में, आई बिलीव आपका रीजन यही होगा कि आप स्टेज टू की प्रिपरेशन कर रहे हो ना। तो ऐसे नहीं, मैं ना आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आप कब कौन सी क्लासेस मिस कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका सिलेबस इस तरीके से लाइट हो जाएगा। देखो आप समझो कि ये जो आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी राइट नाउ बच्चों आपको मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? केमिस्ट्री में आपका मेरी प्रॉपर सारे टीचर से डिस्कशन हो चुकी है, केमिस्ट्री में आपका ये बच्चों अगर आप में से कोई दूसरे बैच में है तो आपके लिए भी अपने आप एप्लीकेबल हो गया क्योंकि सिलेबस तो सेम ही चल रहा है। तो केमिस्ट्री में आपका अभी बच्चों इनऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है वो पूरे का पूरा एज इट इज बाद में किया जा सकता है। ठीक है, आगे नवंबर में भी बहुत सारी हॉलीडेज हैं। ठीक है, और सीधा वीडियो देख के हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आगे किसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो दैट पार्ट इज इजी। मैथ्स में अभी जो आपका चल रहा है वो सेट्स चल रहा है, वो बेसिकली चैप्टर भी इजी है और आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहले भी हुआ था फेब में, है ना? जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, तो मैं ये ठीक कह रहा हूँ ना बच्चों कि ये आपका पहले हो चुका ना जो चल रहा है अभी सेट्स वाला पार्ट? हाँ, तो
लेकिन बच्चों अभी फिजिक्स में प्रेजेंटली जो आपका चैप्टर चल रहा है वो क्लास लगानी जरूरी है, क्योंकि वो रोटेशनल वाला अपना चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपने फिलहाल लगानी है क्लासेस फिजिक्स की. ठीक है, जब नहीं लगानी होगी, जब कुछ ऐसा होगा जो आपका बाद में कवर हो सकता है, वो आप बाद में लगा लोगे. बच्चों एक मिनट. बच्चों मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ. हाँ जी, तो आई वाज टेलिंग यू बच्चों कि फिजिक्स की क्लासेस अभी थोड़ी सी जरूरी हैं लगानी. जब नहीं लगानी होगी मैं आपको बता दूंगा. अब क्योंकि बच्चों एक ही लगनी है, तो आप इस क्लास को चाहे ऑनलाइन लगा सकते हो. ठीक है ना, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो मतलब स्पेशली जिसको थोड़ा दूर से आना होता है ना, तो आपका टाइम वेस्ट होगा उस एक क्लास में. हाँ, जो टेस्ट जो भी कोई पहले वाले हुए थे मैथ टेस्ट, मैं वो ओपन करवा दूंगा. ठीक है, तो हाँ सक्षम, यू कैन डू दैट. सीरत, ग्रेविटेशन तो अभी कहीं भी कवर नहीं हुआ, एंड ग्रेविटेशन बहुत ही मतलब कम इम्पॉर्टेंट है. तो वो ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ये राइट साइड वाले मिसलिनियस में आता है. ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करो. मतलब जो चाहिए ना, मतलब मैं आपको, ये आपका फिजिक्स वाली क्लासेस में कवर हो जाएगा बस. ठीक है, ये जो अपनी 2 क्लासेस हैं, और आपको कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, हर्ष कौशिक, आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा इन क्लासेस का. मतलब जो यहाँ पे मैंने करवाना है आप वो ऑलरेडी कर चुके हो सारा कुछ, तो सोच लो. ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट ही है. ठीक है बच्चों, 2 मेन बातें क्लियर हो गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी, सेकंड क्लासेस को कैसे मैनेज करना है. ठीक है, मैं ना बच्चों एक ग्रुप बनवाऊंगा. दर्शवीर, मुझे समझ नहीं आया, टेस्ट्स ऑफ टेस्ट्स मतलब. हाँ, संडे टेस्ट यू कैन लीव फॉर द टाइमिंग.
तो मैं ना बच्चों एक ग्रुप बनवाऊंगा ऐप पे जिसमें आप सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है? कोई भी इशू है आपको, आपने मेरे से वहां डिस्कस कर लेना है, मैं भी वहां बताता रहूंगा क्या करना है कैसे करना है। मतलब आई एम योर सिंगल कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू स्टेज टू प्रिपरेशन। आपने मेरे से बिना पूछे कोई भी क्लासेस या कुछ नहीं करना, ठीक है? मिस या एनीथिंग, जो भी आपको चाहिए, कोई मटेरियल, टेस्ट, कुछ भी, सब कुछ आप वहां पे मेरे से डिस्कस करते रहोगे, राइट? उस पे चैट इनेबल्ड होएगी, आप बात कर सकते होएगी, ठीक है? और बच्चों मतलब पूरा ना जोर लगा दो। मेरे को ना आप में से कोई एक दो लोगों का ये पता चला जो यही सोच रहे थे कि छोड़ो अभी स्टेज टू। तृप्ति आपको पता चल जाएगा, ठीक है? जिनको मतलब नहीं पता, जो मतलब वैसे नहीं लगा रहे थे क्लासेस या कुछ, मतलब आई क्वेश्चन में नहीं हो, आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक है? कॉल आ जाएगा उसी रिलेटेड। हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे आप में से ना कुछ एक दो लोगों का पता चला था कि जो कह रहे थे कि मतलब छोड़ो अभी, मतलब ये 11th ही अच्छे से कर लेते हैं, वो हो नहीं रही है बी ए, छोड़ो स्टेज टू। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों। आप तो कह लो कि चलो आपके लिए अच्छा है कि 1 महीना ही पहले पता चला, तो अब 1 महीने में हम पूरा जोर लगा देंगे अपना, है ना? तो अब वो पूरा जोर लगा के सबके साथ ही ऐसा है, आराम से क्लियर भी कर जाओगे, राइट? तो कोई चक्कर नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको, पूरा एफर्ट लगाना है हमने, ठीक है? इस टाइम पे सारे टॉपिक्स की आपको शीट्स मिलेंगी, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं उसमें। सीरत, आप मेरे से ना एक बार बच्चों कोई और प्रॉब्लम हुई आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी डिस्कस करना। सीरत आप मेरे से व्हाट्सएप पे एक बार डिस्कस करना, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? बच्चों ये मेरा नंबर है, अगर किसी के पास नहीं है प्लीज नोट कर लो। अभी मत बताओ मुझे कुछ, ठीक है? क्लास के बाद जो जो बताओगे मैं सब कुछ करवा दूंगा, ओके? ओके चलो बच्चों लेट्स बिगिन। हम जो फर्स्ट हमने बच्चों चैप्टर करना है दैट इज लाइट। और बच्चों ये मजेदार बात ये है कि ना आपकी इनडायरेक्टली केवीपीवाई की भी प्रिपरेशन हो रही है। केवीपीवाई के लिए भी एग्जैक्टली यही 3 चैप्टर करने होते हैं बच्चों, लाइट, करंट, मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो मतलब मैं यही वाली रिकॉर्डिंग मतलब आपके ग्रुप पे भेजने भी वाला हूँ कि भाई हाँ जिसको केवीपीवाई के लिए तैयार करना है वो भी ये देख लो, तो आपके लिए सही हो रहा है ना? कोई टेंशन मत लेना बिल्कुल कि मैनेज कैसे होगा, सब हो जाता है। तो बच्चों जो लाइट चैप्टर है सबको बेसिक कंसेप्ट पता है कि लाइट में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? मैं बच्चों मतलब बिल्कुल जो काम की चीज है उसी पे टाइम लगाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मैं ए टू जेड हर चीज बताऊंगा, कुछ आपको जो नहीं रिकलेक्ट हो रहा हो वो आप मेरे से पूछ लो। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बच्चों, इसमें आपको सबको पता है कि आपने क्या करना है, बस एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है? और उस नॉर्मल के साथ I इक्वल टू आर कर देना, राइट? तो उसमें हम प्लेन मिरर के साथ इमेजेस की बात करते हैं,
फटाफट बताओ इसमें बच्चों क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर में। सेम साइज, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस। ये इमेज कैसी होती है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल होती है और लिटरली इन्वर्टेड होती है। अच्छा बच्चों, व्हेन वी से डिस्टेंस, प्लीज रिमेम्बर कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मदर। अब बच्चों क्योंकि हम क्लास 11th में वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता सकता हूँ। वो है बच्चों मूविंग ऑब्जेक्ट की। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी का वेक्टर इस तरीके का, ठीक है? सो वी नो कि जो इसकी इमेज बनेगी वो बन गई सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। व्हाट कैन यू से बच्चों अबाउट इट्स द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज, वो कैसा होगा? सौम्य शेखर कुछ भी, मतलब कहीं कहां से आया वो? मैंने क्या पूछा है? वेक्टर, मुझे चाहिए वेक्टर। तो बच्चों ये वेक्टर जो है वो इस तरीके का बनेगा, मतलब एक तरह से हमने वेक्टर की भी इमेज ले ली। समझ गए? इससे क्या पता चल रहा है आपको कि वेलोसिटी के साथ क्या हुआ? क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी रिवर्स हो गई, ऑपोजिट तो नहीं हुई? तो अगर आप ध्यान से देखो, आप बच्चों इसके कंपोनेंट्स ले लो, आप आंसर कर सकते हो आराम से। बताओ क्या हो रहा है वेलोसिटी के साथ? जो तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बच्चों, उसके साथ क्या हुआ? रिवर्स हो गया। Isn't it? And जो वेलोसिटी का मिरर से पैरेलल कंपोनेंट था, उसके साथ क्या हुआ? बताओ फटाफट। नो चेंज। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर अब बच्चों मैं इसको एक स्टेप और कॉम्प्लिकेट कर दूं, जहां पे मैं लेट से मिरर की को भी कुछ वेलोसिटी दे दूं,
इस केस में क्या होता है बच्चों? वी पैरेलल को तो स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ा, वी परपेंडिकुलर का क्या रिजल्ट होता है बच्चों? एनी आइडिया? अब आप कर सकते हो, मैं भी मिरर को रेस्ट पे ले आओ, अगर मैं मिरर को रेस्ट पे ले आऊं तो मिरर को ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी दिख रही होगी? वी ओ एम है ना, मिरर के फ्रेम में यही वेलोसिटी है ना बच्चों? उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब बच्चों जो हमने ऊपर लिखा था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, उसको हम और बेटर फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जो मिरर की रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो रिवर्स हो जाती है। आई बात समझ बच्चों? बच्चों एक क्वेश्चन ट्राई करो जरा, आप मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ बच्चों, आई कैप जे कैप में। अच्छा एक मजेदार बात बताऊं, अभी तक सबके गलत हैं आंसर्स। ध्यान से पढ़ो ऊपर वाला और फिर आंसर करो। I'm giving you 2 minutes more.
तो जिनका आंसर तो सिर्फ एक में आया हुआ है, सिर्फ आई कैप या सिर्फ जे कैप, वो तो सीधा ही गलत है, दोनों में आएगा। चलो भाई देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस सिली मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। जब आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लोगे तो ऑफ कोर्स वो कंपोनेंट्स 5√3 एंड 5 है ना। तो देखो पैरेलल में तो बच्चों हमें पता ही था कि सेम रहा, तो वी पैरेलल तो आपको एकदम पता चल गया कि वो तो 5√3 जे कैप ही है। बस एक स्टेप था जो आपको बच्चों ध्यान रखना था, आपको ये भी पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर 0 है ना, विच इज माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है 0 है ना, और मैंने क्वेश्चन में इसीलिए स्पेसिफिकली लिखा था वहां पे ऐसे कि वी आई, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि भाई मैंने अर्थ फ्रेम ही पूछी है। तो ये क्या है, वी आई माइनस डी एम, तो वी आई क्या होना था बच्चों, वी एम जो कि 5 i कैप है। तो आपका आंसर क्या आना था, सिंपली 5 i कैप प्लस 5√3 से कैप। एनी डाउट बच्चों? किस किस का ठीक का दीपित रक्षम हर्षप्रीत सुहानी अनुभव गुड। सबको क्लियर हो गया बच्चों? जिनका गलत हुआ था बच्चों क्लियर हो गया? चलो बच्चों मैंने तुम्हें जान के क्वेश्चन दिया, मैंने बिल्कुल हल्का सा क्लास 11th का फ्लेवर ऐड कर दिया इसमें है ना, जो बेसिक हम अभी तक कर रहे थे। मोस्ट ऑफ यू जो आपने गलती की थी वो यही थी कि बस एकदम 0 निकाला और वही आंसर निकाल दिया। ठीक है। अच्छा जो आपको अगला कंसेप्ट ये वाला पता है, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। राइट, तो वो h/2 आती है। क्या आपको बच्चों उसका लॉजिक भी पता है? h/2 कैसे आता है? ऐसा करते हैं बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन बना के देता हूं आपको, ठीक है? वो मतलब जो हमें करना है उस फिर वो तो कुछ है ही नहीं उसके आगे।
सो ये एक वॉल है, ये एक पर्सन है, पर्सन इज लुकिंग टुवर्ड्स राइट बच्चों, ठीक है, और मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्सन को थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये बच्चों उसका आई लेवल है, ये आपके काम आने वाला है, ठीक है, ये वॉल की हाइट एच है, ये डिस्टेंस ए है और ये आगे वाला डिस्टेंस बी है, ठीक है, फिर से बच्चों जो पर्सन है ही इज लुकिंग टुवर्ड्स राइट इन द मिरर, सो क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल वॉल इन इट, मैं बच्चों हिंट दे रहा हूं कि कैसे सोचना है, अगर हमें पूरी वॉल को देखना है, ठीक है, अगर पर्सन को पूरी वॉल को देखना है, इसका मतलब क्या है कि पूरी वॉल से लाइट रेज उस पर्सन की आई तक पहुंच रही होनी चाहिए, है ना, तो ड्रॉ टू एक्सट्रीम केसेस, एक ऐसी लाइट रे बनाओ जो वॉल के टॉप से रिफ्लेक्ट होके, मतलब वॉल के टॉप से जाए, मिरर से रिफ्लेक्ट हो और पर्सन की आईज तक पहुंचे, और ऐसी एक दूसरी लाइट रे बनाओ जो वॉल के बॉटम से आए, मिरर से रिफ्लेक्ट हो और फिर पर्सन की आईज तक पहुंचे, तो एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको जो चाहिए हमें, सोचो हमें पर्सन के सिर्फ आई लेवल से मतलब है, ठीक है, मैंने इसलिए
बच्चों एक बार देखो ध्यान से इस फिगर को, क्या सबको ये समझ आ रहा है कि हमारे काम का फिगर ये इतना ही है? मुझे ये देखो फिगर, आप सबको समझ आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने रेज शो कर दी एक्सट्रीम से जो पर्सन की आई तक पहुंच रही है ना, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर। अब बच्चों हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है तो जो भी एंगल ये थीटा होगा वही एंगल थीटा यहाँ होगा, और जो भी एंगल नीचे होगा अलग फाई वही एंगल फाई यहाँ भी होगा। मानते हो बच्चों? अब बच्चों हम इस वॉल को कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस एक्स वाई, ऊपर वाले पार्ट को ए बोल देते हैं, नीचे वाले पार्ट को नहीं, ए भी नहीं, ए भी तो हम यूज कर चुके हैं। इसको एच वन बोल देते हैं, इसको एच टू बोल देते हैं, जिसका सम तो हमें पता है कि कैपिटल एच है ना। अब जो ऊपर वाला फिगर देखो, जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है उसमें टैन थीटा क्या बन रहा है? एच वन अपॉन कितना डिस्टेंस हो गया? ए प्लस बी है ना। अब उसके नीचे वाला देखो, जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, उस छोटे से ट्रायंगल में टैन थीटा क्या बन गया? एक्स अपॉन बी। आया समझ बच्चों? सिमिलरली नीचे वाले में देखो, एच टू ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई अपॉन बी। और हमें ये भी पता है बच्चों कि यहां से आपके पास x और y की वैल्यू निकल आई इन टर्म्स ऑफ एच वन एच टू, और हमें ये भी पता है कि x प्लस y प्लस एच वन प्लस एच टू इज इक्वल टू कैपिटल H। तो यहां से आपके पास x प्लस y की वैल्यू निकल आएगी सीधा।
हमें तो एक्स और वाई इंडिविजुअली नहीं चाहिए, तो ये निकल के आ जाएगा। बताना मुझे क्या बनेगा, देखना बच्चों बताओ क्या बनता है। हाँ बच्चों सबको आया समझ? ठीक है, मतलब ये मत सोचना कि इतना लंबा क्वेश्चन आ जाएगा कि कैसे होगा, ये सिर्फ मतलब तो वैसे था, आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए था। तो जब हम बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं ना कि मैन अपने आप को पूरा कैसे देख पाएगा, यहाँ तो मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, पीछे दीवार बना दी। जब हम मैन वाला बनाते हैं फिगर, तो हम क्या कहते हैं बस कि मैन के एक्सट्रीम पॉइंट से सारी रेज उसकी आईज तक जानी चाहिए। तो जो हमारा फिगर बनता है बच्चों, वो इस तरह से बनता है कि उसके हेड वाली रे उसकी आई तक गई और एक उसके पैर वाली रे उसकी आई तक गई। ठीक है, करना बिल्कुल यही सेम है, तो बस वो कर कर आके एक्स प्लस वाई जो है वो आपका एच बाई टू आ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए कंसेप्ट? ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जो मेन बात है, जो सारा कुछ जिस पे बेस्ड है, दैट इज स्नेल्स लॉ, जो कि कहता है कि म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट, राइट? म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? जो कि क्या होता है? सी इन वैक्यूम बच्चों अपॉन सी इन मीडियम, राइट? एक बच्चों मैं आपको नई बात बताने लगा हूं जिसका आपने ध्यान रखना है बच्चों। ये जो म्यू होता है, ये लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है। और वो भी कैसे डिपेंडेंट होता है, मतलब एग्जैक्ट रिलेशन नहीं मैं आपको बता रहा अभी, उसके इनवर्स में।
मतलब इससे क्या समझ आ रहा है हमें कि जैसे बच्चों हम जो नॉर्मली बोल देते थे ना कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह देते थे 3/2 होता है, वो किस वेवलेंथ के लिए होता है? बोलो बच्चों। वो बेसिकली एक एवरेज सा होता है, ठीक है? वो कोई फिक्स्ड नहीं होता, वो एक एवरेज वैल्यू होती है। असली में म्यू की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है। तो और हम यहां से ये भी समझ सकते हैं ना, बताओ मुझे बच्चों, अगर हम एक्सट्रीम कलर्स लें रेड और वायलेट, बताओ किसका म्यू कम होगा किसका ज्यादा होगा? तो रेड की बच्चों वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो इसका मतलब रेड का म्यू कम होगा। तो प्लीज रिमेम्बर दिस बच्चों, दिस इज अ गोल्डन रिजल्ट, बहुत काम आता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अगर हम बच्चों एक ऐसे ग्लास स्लैब लेते हैं, ठीक है, मैं इस पे एक ऑब्जेक्ट ओ लेता हूँ बच्चों, मान लो, ठीक है, तो चलो इसको लाइट रे अगर हम मान लें, तो ये वाली लाइट रे बच्चों आप सब मानते हो कि ऐसे ही ट्रैवल करेगी? क्यों? क्योंकि एंगल जो है इसका हर जगह जीरो ही बन रहा है, तो अगर आई जीरो बनेगा तो आर भी जीरो बनेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। अब अगर बच्चों मैं एक दूसरी रे लेता हूँ जो किसी एंगल पे जा रही है, ठीक है, तो ये रे रेयर टू डेंसर, दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चे एक बात समझते हैं हम, इसका यहाँ एंट्री पे जो भी एंगल आई हो, इधर मान लो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद आर बन गया, तो अंदर आप ज्योमेट्री से बता सकते हो कि ये एंगल आर होगा। और क्या फिर आप ये समझ सकते हो बच्चों कि ये जो एंगल बाहर ई बना ये भी आई बनेगा, क्योंकि दोनों जगह स्नेल्स लॉ तो वो सेम ही अप्लाई हुआ ना। तो हम इधर से देख रहे हैं बच्चों, राइट हैंड साइड से, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट बच्चों क्या हुआ, ये बात समझ आती है हमें कि ये जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही है। ठीक
अब बच्चों बात करते हैं कि हमारे को कहाँ नजर आ रहा होगा। तो आपने जो बात याद रखनी है ना अभी के लिए, एक शॉर्टकट फॉर्म, जब हम कहते हैं ना कि इमेज, उसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज रीचिंग द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये बच्चों फिगर से ऐसे मत सोचना कि रेड वाली रे तो आई तक पहुंची नहीं। ठीक है, ये तो हमने एक ऐसे ही मतलब बड़ा सा मैग्नीफाइड सा फिगर बनाया है, तो आप सोचो कि रेड वाली रे भी आई तक पहुंच रही है और व्हाइट वाली रे भी आई तक पहुंच रही है। तो ये जो दोनों रेज हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो आप देख सकते हो कि ये यहां पे बन रहा है जहां मैंने आई लिखा है। तो दिस इज इमेज बच्चों। अच्छा, यहां पे बच्चों ये पॉइंट आई मतलब स्लैब के अंदर आए बाहर आए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, वो तो मतलब फिगर पे डिपेंड करेगा कैसे बना हुआ है। ठीक है, मतलब वो जहां भी आ रहा हो प्रॉपर उसके पैरेलल रे आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अंदर आए बाहर आए बाउंड्री पे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आ सकता है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? इससे क्या समझ आया आपको बच्चों यहाँ पे, कि अगर कोई ऑब्जर्वर पॉइंट ओ को देख रहा था एक ग्लास स्लैब के थ्रू तो वो उसको पास नजर आ रहा है, उसको तो वो आई पे ही नजर आ रहा है। आई बात समझ बच्चों, है ना? तो यहां से देखो बच्चों हम क्या क्या बातें याद रख सकते हैं, कि एक तो ये कि जब ग्लास स्लैब से जो इंसिडेंट और इमर्जेंट रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ग्लास स्लैब में भी अगर हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा पास नजर आता है। इसी बात को बच्चों हम अप्लाई कर देते हैं एक और कंसेप्ट पे नोन एज रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। तो यहां पे क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो एक कंटेनर है उसमें हाइट एच तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, कंटेनर कह लो, स्विमिंग पूल कह लो, पॉन्ड कह लो, हर टाइप का केस है। जब आप बच्चों इसको ऊपर से देखते हो, ठीक है, तो आप ये डेप्थ किस तरीके से मेजर करते हो बच्चों किसी पॉइंट की? हमारे लिए डेप्थ क्या होती है, डेप्थ का मीनिंग क्या होता है कि बेस का कितना डिस्टेंस है ना? तो अब आप ऐसे सोचो, जो मैंने बच्चों फिगर ऊपर बनाया था वो क्या कह रहा था कि आप ग्लास स्लैब के थ्रू पॉइंट ओ को देख रहे हो तो वो पास नजर आता है। ठीक है, इमेजिन करो हमने इस फिगर को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ओ नीचे, तो आप एक तरीके से ये जो स्लैब है वो ग्लास की जगह वाटर की बन गई, है ना? बस यही फर्क पड़ा।
और एक फर्क ये पड़ा कि पॉइंट ओ जो है बाउंड्री पे आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिचुएशन बिल्कुल वही बन गई बच्चों जो ऊपर थी, है ना। तो क्या होगा, उसको पॉइंट ओ थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वर को जो बेस है, अगर हम ये सारे पॉइंट्स के लिए लगा दें, थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। तो जो डेप्थ बच्चों असली में एच थी, वो ऑब्जर्वर को एच डैश ही नजर आ रही है, क्योंकि उसको बेस थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो बच्चों इट टर्न्स आउट कि ये जो एच डैश है, इसको हम कहते हैं एक तरह से अपरेंट डेप्थ। ठीक है, मतलब जो हमें नजर आ रही है। तो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी, ये एक रिजल्ट बच्चों आपने याद रखना है, ठीक है। मतलब कई बार जरूरी नहीं कि इस फॉर्मूला पे बेस आए, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत काम आ जाता है। एच अपॉन म्यू मीडियम अपॉन म्यू ऑब्जर्व, ये बात समझ आई बच्चों? दोबारा सुनो बच्चों कि ऑब्जर्वर को जो डेप्थ नजर आ रही है, ठीक है, वो एच डैश नजर आ रही है एच की जगह, क्योंकि उसको सारे का सारा बेस थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है। और ये जो एच डैश की वैल्यू है, इट टर्न्स आउट टू बी एच अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब हमारे इस फिगर में तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो बानी हो गया, वो एयर में है, बट मैंने आपको उसके लिए रिजल्ट बता दिया ताकि हर जगह अप्लाई हो जाए। आया समझ बच्चों? दिलप्रीत क्लियर हो गया? तो आप देखो बच्चों, यही सेम कंसेप्ट अगर अब मैं अप्लाई करूं इस तरीके से, इसको ना याद रखने के लिए हम ऐसे बोलेंगे, ये मान लेते हैं पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर एक फिश है, ये ऊपर एक बर्ड है, ठीक है। मैं जानबूझ के दो हाइट्स लिख देता हूँ, एक ऊपर वाली एच वन, एक नीचे वाली एच टू, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया, ऊपर तो एयर ही है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो बताओ व्हाट इज डेप्थ ऑफ फिश
एज सीन बाय बर्ड, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के मुझे बताओ। एच वन, हाँ एच वन बर्ड की हाइट है पानी के ऊपर, एच वन बर्ड की हाइट है पानी के मतलब पानी के टॉप लेवल से, और एच टू जो है वो फिश की डेप्थ है। आपने इसी रेफरेंस लेवल से बताना है, ठीक है, जो पानी का टॉप लेवल है, मतलब टोटल नहीं पूछा मैंने, मैंने इस लेवल से ही पूछा। तो वो जब आप लगाओगे तो H2 टू बाय म्यू हो जाएगा बच्चों, ओके। अब मुझे बताओ हाइट ऑफ बर्ड सीन बाय फिश, बच्चों सेम उसी रेफरेंस लेवल से ही बताओ, मतलब आप समझ रहे हो बच्चों कि वो म्यू एच वन बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ना बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट समझ, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ रहे हो कि सोच के ऐसा लग रहा है कि यार एक केस में म्यू से डिवाइड हो गया, एक केस में म्यू से मल्टीप्लाई हो गया, फॉर्मूला वही है राइट। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक केस में आपको ऑब्जर्वर एयर में था और एक केस में आपको ऑब्जर्वर वाटर में, आ रही है बात समझ बच्चों। और यहां से आप एक इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये देख सकते हो कि जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि
कुछ बर्ड्स होती है ना जो फिश को हंट करती हैं, जस्ट सोचो कि एक बर्ड ने एक फिश को हंट करना है, तो बर्ड को फिश कहाँ नजर आ रही है? उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर, है ना? तो मतलब मान लो कि कोई अगर इनएक्सपीरियंस्ड बर्ड है, उसके साथ क्या होगा कि वो जहां पे चोंच मारेगी वहां उसको कुछ नहीं मिलेगा, राइट? ऐसे ही उल्टा सोचो कि जो फिश है, ठीक है, फिश उस बर्ड से बचना चाहती है, तो फिश को बर्ड कहाँ नजर आ रही है? फिश को भी बर्ड जहां असली में है वो उससे ज्यादा ऊपर नजर आ रही है, ठीक है? तो जैसे बर्ड को डिसएडवांटेज था, वैसे ही फिश को भी डिसएडवांटेज है कि फिश धोखे में है, मतलब फिश को ऐसा लग रहा है कि बर्ड दूर है लेकिन असली में वो उतनी दूर नहीं है। बच्चों आया कंसेप्ट समझ? तो ये केस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट बच्चों हमें केस करना है प्रिज्म का, ये इसी पे ही स्नेल्स लॉ पे ही बेस्ड होता है। तो प्रिज्म क्या होता है बेसिकली बच्चों? एक ग्लास स्लैब है जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है, जिसका मान लो ये एंगल ए है, ठीक है। अब अगर हम इसकी लेफ्ट सरफेस पे ऐसे एक बच्चों लाइट रे इंसिडेंट करें किसी एंगल पे, मतलब जब भी रेज बनाओ ना हमेशा ध्यान रखो कि नॉर्मल बना दो साथ के साथ, नहीं तो गलती हो जाती है। तो लेट्स से ये एंगल आई बन गया, ये रे बच्चों किधर को बेंड करनी चाहिए? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे होगी। अब सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने लगी है, वहां पे हमने फिर नॉर्मल बना दिया। तो यहां पे अब दिस रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस पे जो एंगल है बच्चों इसको हम दिखा देते हैं। ये बन गया आर वन। सेकेंड सरफेस पे जो एंगल बन गया ये बन गया, इसको आर टू दिखा देते हैं बच्चों। और ये रे जिस एंगल से बाहर निकली इसको दिखा देते हैं ई। ठीक है, तो जो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पर भी सिंपल स्नेल्स लॉ ही लग रहा है, कुछ अलग नहीं है। मतलब जैसे आप फर्स्ट सरफेस पे लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन। ठीक है बच्चों, आप ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल से मुझे देखकर बताओ बच्चों कि ए आर वन और आर टू में क्या रिलेशन है? सम 180 करो। यस, तो आप देखोगे कि आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। तो मतलब एसेंशियली हुआ क्या, आपको आई गिवन होगा बच्चों, तो स्नेल्स लॉ लगाया तो उससे आर वन निकल आया। अब इस रिलेशन से आप आर टू निकाल सकते हो।
अब दूसरी सरफेस पे फिर से स्नेल्स लॉ लगा दो, तो वो बन जाएगा म्यू साइन आर टू इज इक्वल टू साइन ई। तो आपसे सारा नहीं पूछा जा सकता, लंबा हो जाएगा, बट कोई भी एक स्टेप पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ आपको। इससे आपने निकाल लिया कि रे कितने एंगल से बेंट हुई, कितने एंगल से बाहर निकली। यहाँ पे बच्चों हम एक टर्म निकाल सकते हैं कि जो रे है वो कितना डिविएट की, डिविएशन मतलब कितने एंगल से बेंड की। तो आप ये देखो बच्चों कि फर्स्ट स्टेप पे वो रे को आइडली ऐसे जाना था डॉटेड लाइन के अलोंग, लेकिन वो बेंड कर गई। कितने एंगल से बेंड की बच्चों? वो एंगल जो है आप देखो आई माइनस आर वन बन गया ना, और ऐसे ही सेकेंड सरफेस पे अगर वो डॉटेड लाइन के लॉन्ग जाती तो ऐसे जाती, अब ऐसे चली गई। ठीक है, तो डिविएशन नाम से क्या समझ आ रहा है कि रे कितने एंगल से बेंड कर रही है। तो आप देख सकते हो कि सेकेंड सरफेस पे यही एंगल बन गया है ई माइनस आर टू, तो ये बन जाता है बच्चों आई प्लस ई माइनस ए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे बच्चों एक बात जो हमें याद रखनी होती है वो ये है कि ये जो डिविएशन है ये मिनिमम तब आती है जब आर वन इक्वल टू आर टू होता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो रे है वो बेस के पैरेलल है। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट चाहता है बच्चों लेंस ठीक है। लेंस इज व्हाट लाइक दिस, ऐसी एक शेप होती है। तो बच्चों एक लेंस से रिलेटेड देखो जो बातें पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, जो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, आपने अपने पुराने नोट्स में रिवाइज करना है। एक तो साइन कन्वेंशन ना, वो लेंस के लिए भी है, मिरर के लिए भी है। एक जो बेसिक रे ट्रेसिंग होती है, जो हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि जो रे पैरेलल है वो फोकस से पास कर रही है, लेंस के लिए भी मिरर के लिए भी। ठीक है, वो हम तीन दो तीन रेज बनाते हैं ना बच्चों, याद है? एक बच्चों आपको ख्याल होगा, एक आप टेबल टाइप्स बनाते हो जहां पे हम ये बात कर रहे होते हैं
मतलब वो लेंस के लिए भी होता है और मिरर के लिए भी होता है, जहाँ पे हम ये बात कर रहे होते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन के लिए इमेज कैसी बनेगी और उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। याद है बच्चों कि भाई अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो जो इमेज है वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, डिमिनिश बनेगी, और ये सारा कुछ जो होता है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने टेबल जो है वो पूरे का पूरा रिवाइज करना है। फिर जो उसके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस हो गया 1/v माइनस, ठीक है, तो इनके बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस आपने करने। ओके, चलो बच्चों एक क्वेश्चन है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को सनलाइट से जलाना है, बर्न करना है, तो क्या यूज कर सकते हैं हम, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस या दोनों? सारे आंसर करो बच्चों। क्या होता है बच्चों देखो, अगर तो आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो तो उसके केस में क्या होगा कि जो रेज ऐसे आ रही हैं पैरेलल, ठीक है, वो सारी की सारी ऐसे कन्वर्ज करेंगी फोकस पे। तो अगर आप यहाँ पे आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको बर्न कर सकते हो, ठीक है, लेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मिरर यूज करो, मिरर में क्या होता है कि जो रेज ऐसे पैरेलली आ रही हैं, वो इधर फोकस पे कन्वर्ज करेंगी ऐसे, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वो बर्न हो जाएगा। तो थ्रेटिकली स्पीकिंग दोनों ही केसेस में बर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर रेस को कन्वर्ज करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आती है बच्चों वो ये आती है कि जो राइट साइड वाला केस है वहां पे क्या होगा ना कि जब आप ऑब्जेक्ट के आगे, मतलब जब मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो खुद ही लाइट रेस को ब्लॉक कर देता है, राइट, तो लाइट रेस इतनी बनेंगी नहीं जो आगे जाके मिरर से टकरा के कन्वर्ज करके ऑब्जेक्ट पे पहुंचेंगी। तो सेकंड वाले केस को प्रैक्टिकली करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको मिरर बड़ा लेना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट छोटा लेना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। बच्चों अगला पार्ट बच्चों आता है जो आपको एक कंसेप्ट बताना चाहिए, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें बच्चों क्या होता है कि अगर मान लो आपकी एक लाइट है जो
से डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है, जो कि नॉर्मली रिफ्रैक्ट करनी चाहिए थी, ठीक है। तो जो मान लो मैं एक मिनट के लिए इस एंगल को आई बोलता हूँ, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी बोल देते हैं, इसको म्यू आर बोल देते हैं। आप स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या बनेगा? आप ऐसे लिखोगे ना, म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। तो ये आपका साइन आर क्या बन गया? म्यू डी बाय म्यू आर इंटू साइन आई। अब बच्चों आप ऐसे सोचो, ये जो आपकी फर्स्ट क्वांटिटी है म्यू डी बाय म्यू आर, ये तो ग्रेटर देन वन है डेफिनेटली। ये जो क्वांटिटी है साइन आई, ये लेस देन वन है। अब साइन आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद बच्चों ऐसा हो जाएगा ना कि जो साइन आर बनेगा आपका वो ग्रेटर देन वन ही बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपका साइन आई ग्रेटर देन म्यू आर बाय म्यू डी हो, तो उसका मतलब हो जाएगा कि साइन आर जो है वो ग्रेटर देन वन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सोचो ध्यान से, बताओ बच्चों। तो इसका मतलब अगर आपका इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी हो गया, तब रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में लाइट सिंपली रिफ्लेक्ट्स, इट डज नॉट अंडरगो रिफ्रैक्शन, इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। इवन इफ आपने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस नहीं लगाई, क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो ये फिनोमेना याद रखना है हमने कि कब ऐसा होता है कि आप कोशिश तो रिफ्रैक्शन करवाने की कर रहे थे लेकिन हो रिफ्लेक्शन ही गई। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी से बड़ा। आई बात समझ बच्चों? इन अदर वर्ड्स, जो ऑब्जर्वर दूसरी साइड खड़ा होगा रेयर मीडियम में, उसको कोई लाइट नहीं नजर आएगी क्योंकि सारी की लाइट सनलाइट तो रिफ्लेक्ट होके नीचे को ही चली। क्लियर है बात बच्चों? नेक्स्ट थिंग टू रिवाइज बच्चों फॉर एनटीएससी इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जो बच्चों आप वो तीन पढ़ते हो ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया,
एस्टिगमेटिज्म। तो जो इनके बच्चों न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपने अपने नोट्स में रिवाइज करने हैं। जब आप मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला रिवाइज करोगे, होते बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। आपको ख्याल होगा एक केस में इमेज को एक केस में मतलब क्या होता है, नियर पॉइंट शिफ्टेड होता है तो इमेज को उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है, एक केस में फार पॉइंट शिफ्टेड होता है तो इमेज को फार पॉइंट पे बनाना होता है। किया हुआ है बच्चों वो कंसेप्ट? तो बच्चों दिस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन लाइट। आपने बच्चों ये करना है कि आज ही जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, ठीक है, रिवाइज करने वाले, आज ही उनको रिवाइज करो और जो इसकी शीट है उसको कर लो, ठीक है, ताकि आज ही खत्म हो जाए चैप्टर, दोबारा आपको ये चैप्टर करने की जरूरत ना पड़े। ये बात क्लियर हो गई बच्चों सबको? आपको मटेरियल मिला नहीं है अभी इसका? अच्छा, कल मिलेगा, ठीक है, चलो फिर। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, बाय चांस मेरे पास अगर पड़ी हुई पीडीएफ तो मैं अभी आज भेज देता हूँ आपको इसकी, अदरवाइज तो फिर कल आपने वो करना ही है। ओके चलो, ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय। लेना बच्चों, ठीक है, मतलब अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है कि बार बार नहीं हम कर सकते, आज की आज ही इसको सारा जो बचा हुआ है रिवाइज करके फिनिश कर देना। ओके चलो, सी यू।